आप देख रहे हैं संडे लंच स्पेशल। नया मकान खरीदने पर अब एक मोटी रकम सरकार को सर्विस टैक्स के नाम पर चुकानी होगी, जिनकी जेब पर भारी बोझ पड़ने वाला है। हमारे संवाददाता संदीप चौधरी ने इस बारे में बात की मशहूर बिल्डर्स रहेजा डेवलपर्स के MD नवीन रहेजा से। हर शख्स का, आपका भी, मेरा एक ख्वाब होता है सपनों का घर हो, लेकिन सपनों का घर कितना सस्ता, कितना महंगा हुआ है प्रणब दा के आम बजट में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है, मेरे साथ हैं नवीन रहेजा साहब, रहेजा डेवलपर्स के CMD हैं। तो रहेजा साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो उम्मीदें थी आप लोगों की, क्योंकि मंदी का दौर है, सबसे ज्यादा अगर असर पड़ा है मंदी का वो डेवलपर्स पर, रियलिटी सेक्टर पर, उम्मीदों पर खड़े उतरे प्रणब मुखर्जी? देखिए, विंडो ड्रेसिंग बजट हुआ है रियल एस्टेट के लिए, 80 IB का 1 ईयर का एक्सटेंशन देना, 4 साल की जगह 5 साल में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, तो वो वैसे भी देना है, क्योंकि जब रिसेशन था तो डेवलपर्स के काम लगभग बंद हो गए थे उस टाइम पे, तो 1 साल की एक्सटेंशन दिया, तो एक्चुअली कोई एडिशनल चीज नहीं दी है। पर दी तो, ये तो मानेंगे, एडिशनल चीज नहीं दी, टाइम दिया जी, टाइम दिया, 1 साल का वक्त दिया है ना, 1 साल का और वक्त दिया। दूसरा, 1% का लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे सब्सिडी दिया, जो 2-10 का मकान है पर कर्ज आपका 10 लाख का हो, होम लोन 10 लाख, 10 लाख का तक का कर्ज हो, तो 1% का जो सब्सिडी है वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट। सबसे पहली बात, 10 लाख के आसपास के घर मिलते कहां है, आप बनाते नहीं है, मिल तो सकते, बन भी नहीं सकते हैं आज के रेट में, आज की डेट में दिल्ली में शायद ना बन पाए, लेकिन छोटे टाउन्स में चले जाओ, आपुड़ में जाओ, छोटे बना सकते हैं ना, छोटे शहरों में बन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो डेफिशिएंसी है स्टेप हाउसिंग की, वो अक्रॉस 7 मेन मेट्रो सिटीज के ऊपर है, तो उसका कोई बहुत बड़ा एडवांटेज डेवलपर्स को मिलने वाला नहीं है। और हाउसिंग, जहां पे हाउसिंग शॉर्टेज जो है 2.5 मिलियन से भी ज्यादा ऑलरेडी है, वहां इसकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंस बनती नहीं। यानी कि आप बिल्कुल निराश हैं इस बजट से, अगर मैं कहूं तो गलत कह रहा हूं? नहीं, अभी मैं निराश पूरा नहीं हुआ, मैं इसको ब्लैक फ्राइडे बजट बोलूंगा, क्योंकि इसके साथ जो इन्होंने सर्विस टैक्स लगा दिया है, इससे एवरेज जो इंपैक्ट आएगा आम आदमी के लिए, एक आम घर के लिए, वो कम से कम 15% तक लगभग इसमें प्राइसिंग जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो कॉस्ट बढ़ रही है, जो सर्विस टैक्स के वे में पे करना पड़ेगा, वो डेवलपर अपने घर से नहीं पे करेगा, वो सर्विस तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं रहेजा साहब। ये मैं दर्शकों को एक बार समझा भी दूं, हुआ क्या है कि अगर 50 लाख का फर्ज कीजिए आप एक फ्लैट खरीदते हैं, तो उसकी जो 34% कॉस्ट होगी, यानी कि 17 लाख का 10.3%, लगभग 2.25 लाख रुपए का सर्विस टैक्स होगा, तो ये 2.25 लाख रुपए आपको भरना चाहिए कि आप मेरी जेब से लेंगे अगर मैं फ्लैट खरीद रहा हूं? अगर मेरे पास ऑलरेडी पैसा बच रहा होगा तो मेरे को भरना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी जितने भी डेवलपर्स है कंट्री में, वो ऑलमोस्ट विदाउट मार्जिन इस टाइम पे काम कर रहे हैं, यानी कि मुझे और महंगा पड़ जाएगा, नेचुरली कस्टमर के लिए ये फ्लैट जो है और महंगे हो जाएंगे अब, तो एक ऑलरेडी अफेक्टेड इकोनॉमी में इस टाइप की चीज को फर्दर लेके आना आम आदमी के लिए घर खरीदने का सपना जो है और मुश्किल कर देता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार असल में मंशा तो ये है कि डेवलपर्स उसके लिए, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं 34% जो इलाका है उनकी, तो सीधी सीधी की भाई बिल्डिंग वहां पर बनती है, सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पे करेंगे? क्या क्या पे करेगा डेवलपर? डेवलपर को भी पैसा जो है वो यही कस्टमर से ही लेना है और उसी से ही बनाना है। ऑलरेडी डेवलपर जो है उतने लो मार्जिन पे इसलिए काम कर रहे थे ताकि वॉल्यूम्स बढ़े और कैश फ्लो को ठीक करें। उस कैश फ्लो को ठीक करने के लिए जब आप बहुत कम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो उसमें फर्दर स्कोप मेरे जहां तक मैं जानता हूं डेवलपर्स के पास नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन रहेजा साहब। तो ये डेवलपर ये भी निराश है, मंदी की मार झेल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, अब उनकी मार तो मुझे, आपको, हम लोगों को भुगतनी होगी। तो ऐसे में प्रणब दा, आप अगर हमें सपनों का घर दिलाने के लिए असल में उत्सुक हैं, तो आपको थोड़े कदम और उठाने पड़ेंगे। संदीप चौधरी, दिल्ली, IBN 7।